तो दोस्तों वर्करों के लिए रियली बोल रहा हूँ दोस्तों, इससे इम्पोर्टेंट खबर कोई नहीं हो सकता है। पहली बार दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट खबर आ रही है, प्लीज़ लास्ट तक देखना ताकि आप लोग, इसके लिए आपको ज़िंदगी का सवाल है, नहीं तो ज़िंदगी भर दोस्तों यहाँ पे रोना पड़ सकता है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ, ताकि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, ये गलती ना करें। क्योंकि ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सर्वे के हिसाब से दोस्तों 80% जो भी वर्कर यहाँ पे फंस रहे हैं, यानी कि किसकी कम सैलरी है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, किसी को ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रही है, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही है, मतलब 80% लोगों को ये समस्या है। और ये प्रॉब्लम के वजह से ही दोस्तों ये सब चीज़ नहीं मिलती, और जब आप कंप्लेन करने भी जाते हो तो आपको यहाँ पे नहीं सुना जाता है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये वीडियो प्लीज़ उन भाइयों तक शेयर कर देना दोस्तों जो लोग यहाँ पे नए आने वाले हैं, क्योंकि नए जो आने वाले होते हैं उनको यहाँ की कानून को पता नहीं होता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है कि वहाँ पे आपको अपना हिसाब का कानून होता है, यहाँ पे अलग कानून होता है, यहाँ पे लेबर लॉ बना हुआ है, हर चीज़ का सिस्टम है। तो हुआ क्या दोस्तों, इस सिस्टम में बताया गया है कि 80% जो लोग यहाँ पे फंसते हैं और जो वर्कर कंपनी से ना खुश है, ठीक है, उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, टाइम पे दोस्तों ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रही है, ग्रेजुएटी जाने के टाइम नहीं मिलती है, टिकट नहीं मिलती है, बहुत सारे इस तरह का चीज़ नहीं मिलती है, तो और भी जितने भी प्रॉब्लम है, इसमें सिंपल सा बताया गया है कि इसका सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट मतलब है वो है एग्रीमेंट पेपर नहीं पढ़ना। 80% लोग दोस्तों, जब भी एग्रीमेंट पेपर, जब आपका है जो गवर्नमेंट से एग्रीमेंट पेपर निकलता है, जब यूएई के अंदर आप आते हो तब, ऐसा नहीं इंडिया में जो बैठे हो वहाँ पे नहीं, जब यहाँ पे आते हो, जब आपका एग्रीमेंट पेपर निकलता है उस पर आप साइन करते हो, तब मेडिकल होता है, तब आपका वीज़ा लगता है, तो उसमें क्लियरली हर चीज़ एक्सप्लेन किया होता है, आपकी लीव सैलरी कितनी मिलेगी, आपको ग्रेजुएटी का क्या हिसाब किताब होगा, आपको लीव छुट्टी कितने दिनों पर मिलेगी, टिकट का पैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगी, सारे डिटेल होता है, मगर आप पढ़ते नहीं हो और फिर बोलते कि नहीं यूएई में तो 2 साल का दो टिकट मिलता है, आप क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी है जो एक टिकट भी देती है कि 2 साल में एक टिकट आपको मिलेगा, फिर आप 2 टिकट के लिए डिमांड करते हो, या सैलरी आपकी बेसिक सैलरी 800 दरम होती है, आप पूरा सैलरी होती है 1200 दरम, फिर आप 1200 दरम का डिमांड करते हो, तो बहुत सारा चीज़ बारीकी चीज़ लिखा होता है, आप 1-2 घंटे लगाकर नहीं पढ़े लिखे हो दोस्तों, आप टाइपिंग सेंटर में चले जाओ, वहाँ पर पढ़वा लो, या जो लोग पढ़े लिखे हैं उससे पहले पढ़वा लो, अच्छे से जान लो, उसके बाद ही, क्योंकि जॉब मिलने की खुशी में तो आप जल्दी जल्दी साइन कर दोगे, बट आपको बाद में पता चलेगा कि आप इस तरह का गलती करते हो। तो ये दोस्तों मैं जैसा बताया 80% लोग इस तरह से यूएई के अंदर फंसते हैं, तो जो लोग नए आते हैं दोस्तों, या जो लोग यहाँ पे हैं जिनका विजिट से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होने वाला है, वो लाजिम एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ ले जो गवर्नमेंट से निकला हुआ है, तभी आप सिग्नेचर करें, तभी यहाँ पे वीज़ा लगाए। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करो, ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपके लिए मिलता रहे। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।